नमस्कार, पार्ट फोर में आपका स्वागत है। इस पार्ट में हम डीजीएफटी यानी कि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड और भारत सरकार की विदेश व्यापार नीति जिसको हम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एफटीपी बोलेंगे उसके बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारत सरकार ने 1/4/2015 से नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की पब्लिश की है, जो पॉलिसी 31 मार्च 2020 तक जारी रहेंगी। डीजीएफटी अर्लियर स्लाइड्स में और अर्लियर पार्ट में आपको मैंने बताया ही है कि इसको डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड कहते हैं। ऑलमोस्ट 35 जगह डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडियन ट्रेडिंग कैपिटल्स जैसे कि जयपुर है, अहमदाबाद, मुंबई है, लुधियाना है, चेन्नई है, बेंगलोर है, हैदराबाद है, कोच्ची है, डिफरेंट पार्ट्स पे उसके ऑफिसेज अवेलेबल हैं। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का फॉर्मुलेशन इम्प्लीमेंटेशन डीजीएफटी का प्राइम पार्ट है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं इस आपको जानना ज़्यादा जरूरी है। एक तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ये सारी डॉक्यूमेंट सारी चीज़ अवेलेबल है dgft.gov.in पे, मैं आपको पूरा दिखाऊंगा। प्राइम बुक है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, उसके बाद है हैंडबुक ऑफ प्रोसेस। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में डिफरेंट स्कीम्स डिफरेंट इंसेंटिव प्रोग्राम के बारे में जानकारी दी गई हुई है। वो प्रोग्राम मिस और स्कीम का लाभ एक एक्सपोर्टर कैसे उठाएंगे उसकी प्रोसेस के बारे में हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर में लिखा गया है। तीसरा अपेंडाइसिस आयात निर्यात फॉर्म्स, अपेंडाइसिस मीन्स डिफरेंट सर्टिफिकेट के फॉर्म्स, डिफरेंट टाइप के परफॉर्मा जिसमें आप सर्टिफिकेट्स डिफरेंट बनाएंगे। आयात निर्यात फॉर्म उसको बोलते हैं कि एक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में जो जो बेनिफिट्स हमको उठाने के उनके परफॉर्मा आयात निर्यात फॉर्म्स डीजीएफटी वेबसाइट पर अवेलेबल है। सीओन जिसको बोलते हैं कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स, एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम हम जब डिस्कस करेंगे तब। और आईटीसीएचएस कोड पार्ट वन में भी मैंने आपको समझाया था कि इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन वाला हार्मोनाइज सिस्टम कोड जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट आइटम के लिए बहुत ज़रूरी है वो दिखाऊंगा। ये पाँचों चीज़ों की जानकारी डीजीएफटी वेबसाइट में कहाँ है मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, dgft.gov.in। राइट हैंड साइड पॉलिसीज, पॉलिसी टैब के नीचे सारा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी फॉरेन ट्रेड प्रोसीजर है, क्लिक कीजिए। सारी आपको लगभग 2004-05 से लेके अभी तक की सारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आपके टिप्स के सामने अवेलेबल है। एग्जैक्टली फॉरेन ट्रेड प्रोसेस सारी 2004-05 से लेके आज दिन तक, अभी 5/12/2017 को जो पॉलिसी मिड टर्म पॉलिसी रिव्यू का है वो भी अवेलेबल है। आयात अपेंडाइसिस आयात निर्यात फॉर्म्स, यहाँ मेरा कर्सर देखिए, अपेंडाइसिस अवेलेबल है। अपेंडाइसिस के एक वर्ड फाइल आप डाउनलोडेबल वर्जन में देख सकते हैं। एग्जैक्टली सिमिलर आयात निर्यात फॉर्म्स वो भी आप देख सकते हैं वर्ड फाइल के अंदर, सारे आयात निर्यात फॉर्म्स की डिटेल्स दी गई हुई है। एग्जैक्टली सेम आयात निर्यात फॉर्म्स दिया गया है। आयात निर्यात फॉर्म जनरली चैप्टर वाइज जैसे चैप्टर 4 का चैप्टर ए ने 4 ए बी सी डी से चालू हुआ, एग्जैक्टली चैप्टर 5 जैसे कि EPCG का A5A5B एग्जैक्टली ऐसे चालू हो। ITCHS क्लासिफिकेशन आप देखेंगे आपके सामने ITCHS 2017 कर्सर में, उसको क्लिक कीजिए। चैप्टर 5 सारे क्लासिफिकेशन आपके सामने मौजूद है। डाउनलोड्स में क्लिक करेंगे तो पुरानी पॉलिसी रिस्ट्रिक्टेड प्रोहिबिटेड आइटम्स ऑलमोस्ट सारे रेट आपके सामने मौजूद है, अपेंडाइसिस मौजूद है और साइन टोटल साइंस की पूरा डिटेल्स, केमिकल सेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, इंजीनियरिंग फीस, प्रोडक्ट हैंडीक्राफ्ट वगैरह सारे के साइन नॉर्म जो बनाए गए आपके सामने स्क्रीन पे अवेलेबल है। आगे बढ़ेंगे, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो नई 2015 के आई उसमें सिंप्लीफिकेशन काफ़ी किया गया है। सबसे बड़ा सिंप्लीफिकेशन है डिजिटलाइजेशन। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो नई आई है उसमें IEC को 100% पेपरलेस बनाया गया है, ऑनलाइन बनाया गया है। मैं IEC के बारे में डिटेल में समझाऊंगा। एग्जैक्टली सेम जो इंसेंटिव स्कीम है जिसको MEIS SEIS मर्केंडाइज एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम, सर्विस एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम जो बोलते हैं, वो पूरी डिजिटलाइज फॉर्म में लाई गई है। कस्टम से शिपिंग बिल का डेटा, BRC का डेटा बैंक से DGFT सर्वर पे डिजिटली मूव होता है। एप्लीकेंट वही डिजिटली मूव्ड डेटा को ट्रैक करके अपनी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिटेड पर्टिकुलर रीजनल ऑफिस को होती है।
वगैरह होने के बाद आपको MEIS रीजनल ऑफिस से मिलता है, वो भी डिजिटली ट्रांसमिट होता है कस्टम के डिफरेंट सर्वर्स में। तो काफ़ी हद तक एक्सपोर्टर की परेशानी कम करने का प्रयत्न किया गया है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी नई में मेक इन इंडिया को काफ़ी बूस्ट दिया गया है। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स जो स्कीम के अंदर कोई बंदा इंडिजिनस प्रोक्योरमेंट करता है तो ईओ में काफ़ी छूट छाट दी गई है, मैं आपको आपको डिटेल में बताऊँगा। ट्रेड क्लास फैसिलेशन है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे निर्यात बंधु जैसी स्कीम जहाँ पे DGFT ऑफिसर्स और एक्सपोर्ट रिलेटेड एक्सपर्ट सिटी टू सिटी इंस्टीट्यूशन जाके एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ावा मिले, एक्सपोर्ट कैसे चालू करना वो सिखाते हैं। ई गवर्नेंस इनिशिएटिव, ऑनलाइन डिस्चार्ज सर्टिफिकेट्स कैसे दिया जाए, ऑनलाइन डेटा ट्रांसमिट फ्रॉम डिफरेंट एजेंसीज टू DGFT टू डिफरेंट एजेंसीज कैसे दिया जाए और सिंप्लीफिकेशन प्रोसेस में आगे बढ़ेगा। DGFT के बारे में जब भी आप सुनते हैं तो सबसे पहले आपको और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते तो सबसे पहला कोई नाम आता है तो उसको बोलते हैं IEC इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड। 91 के बाद इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड मेयर एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, वो कोई लाइसेंस नहीं है। मैं फिर से दोहराता हूँ, वो कोई लाइसेंस नहीं है, वो मेयर रजिस्ट्रेशन है। जैसे कि पैन कार्ड एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एनरोल होने के लिए। पैन कार्ड लेने का मतलब ये नहीं है मैं कमाता हूँ, मैं कमाने लगा हूँ, मैं खोट में हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा कमाता हूँ। पैन कार्ड एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। अब कोई आप बिजनेस करते हैं, कोई इनकम लेते हैं तो आप इनकम टैक्स के अंदर आते हैं और आपकी इनकम पेबल टू इनकम टैक्स है। एग्जैक्टली इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड लेने से कोई इम्पोर्टर नहीं बन जाता, ना कोई एक्सपोर्टर बन जाता है, वो सिर्फ एक DGFT मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है जिसके बाद आप एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस चालू कर सकते हैं। एक्सपोर्ट के बारे में बात करें तो तमाम प्रकार की इंसेंटिव स्कीम के लेने के लिए कि आपका गुड्स बाहर जाने के लिए IEC जरूरी है। आज IEC 100% डिजिटलाइज पेपरलेस है। IEC की प्रोसेस बता दो तो आपको सिर्फ आपका फोटोग्राफ, कॉपी ऑफ पैन कार्ड, सर्टिफिकेट, डिजिटल सिग्नेचर और 500 रुपये का फीस जो नॉन रिफंडेबल आपको लेना होगा। ये तीनों चीज़ आपको साथ में रख के मैं फिर से बताऊँगा, DGFT वेबसाइट पे जाइए। DGFT वेबसाइट पे ऑनलाइन एप्लीकेशन में IEC है, IEC में ऑनलाइन IEC एप्लीकेशन आप फाइल कर सकते हैं। जैसे किया तो आपके पास आगे डिजिटल की पैन कार्ड की एंट्री करनी है, फिर एक डिजिटल की जो मार्केट डिजिटल सिग्नेचर भी बोलते हैं, एक पैन ड्राइव जैसा होता है जो आपकी डिजिटल सिग्नेचर आज GST में रिटर्न फाइलिंग करने के लिए और सारे बिजनेस करने के लिए आज डिजिटल की कंपलसरी है। आपको उसमें आपका पैन कार्ड करके स्टेप बाय स्टेप सिर्फ आपका एक स्क्रीन चाहिए, आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, आप ऑनलाइन डिजिटल की के सहारे सिर्फ पैन कार्ड, सिर्फ कैंसल चेक और डिजिटल फोटोग्राफ्स के लेके आप IEC एप्लीकेशन भर सकते हैं। और IEC एप्लीकेशन अलॉटमेंट भी आपको ईमेल के जरिए होगा, कोई पेपर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, DGFT की तरफ से कोई भी पेपर आपको नहीं दिया जाएगा। अब हम एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम के बारे में जानेंगे। थ्री टाइप्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, थ्री टाइप्स की डिफरेंट एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स है। इसको ड्यूटी एक्सेम्पशन एक को बोलेंगे, दूसरे को ड्यूटी न्यूट्रलाइजेशन बोलेंगे, तीसरे को रिवॉर्ड और इंसेंटिव स्कीम बोलेंगे। ड्यूटी एग्जम्पशन स्कीम में एडवांस ऑथोराइजेशन आता है, EPCG आता है। न्यूट्रलाइजेशन में ड्यूटी ड्रॉबैक, जो एक्सपोर्ट करते हैं वो ड्रॉबैक के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी रखते हैं। तीसरा रिवॉर्ड और इंसेंटिव। पहले हम रिवॉर्ड और इंसेंटिव के बारे में जानकारी लेंगे। एक रिवॉर्ड का नाम है जो DGFT एडमिनिस्टर करती है, जिसका नाम है मर्केंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम MEIS। उस रिवॉर्ड के अंदर 2%, 3% और 5% के डिफरेंट स्लैब्स है। मिड टर्म रिव्यू पॉलिसी जो दिसंबर 2017 में घोषित हुई है उसमें काफ़ी रेट्स में बढ़ोतरी, मीन्स 2% वाले 4% में, 5% वाले 7% में काफ़ी चीज़ में आया है। और काफ़ी चीज़ डिजिटलाइज हो गई तो आपकी प्रोडक्ट कितने परसेंट में आती है वो देखना काफ़ी आसान हो गया है। दूसरी स्कीम का नाम है सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम SEIS, जिसमें 3% जो आप सर्विस जैसे होटल सर्विसेज है, टूरिज्म सर्विस है, ऑडियो विजुअल सर्विसेज है, कंस्ट्रक्शन है, डिफरेंट सर्विस के लिए ऑडिटिंग सर्विस है, आपको डिफरेंट सर्विस के लिए गवर्नमेंट की तरफ से रिवॉर्ड इंसेंटिव वन टाइप ऑफ कैश बेनिफिट मिलता है। तीसरा रिवॉर्ड इंसेंटिव है स्टेटस होल्डर सर्टिफिकेट। इंडियन लैंग्वेज में बता दूँ, लोगों का एक्सपोर्ट 10 करोड़ से प्लस लास्ट 3 ईयर्स में है वो स्टेटस होल्डर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। MEIS स्कीम के बारे में बताऊँ,
तो वो सिर्फ अपेंडिक्स 3C जो DGFT.gov.in पे है उस पे मौजूद है। मगर आपको SES देखने का सबसे आसान तरीका मैं अभी बताता हूँ, आप DGFT वेबसाइट पे जाइए, DGFT वेबसाइट में मिड पॉइंट में ATC HS बेट MEIS रेट्स, अगली स्लाइड्स में हमने एक HS कोड लिया था 06502 फोर डिजिट का, हैट शेप एक्सेट्रा कॉटन, कोई भी हैट है कॉटन की है इसका MEIS रेट 2% है, कब से 22/9/2016 पूरा लिया गया, 1/1/17 के बाद वो भी रेट सिमिलर रहा है 2%। आप अपना HS कोड डालिए सामने चेक कीजिए, 1/1/2017 के बाद उसका 2% बढ़ा के गवर्नमेंट ने 4% किया है। आप अपना HS कोड देखिए सामने, इफेक्टिव डेट देखिए और आपको पता चल जाएगा कि वो कौन कौन से रेट में आने वाली है। अब कंट्री, ये कंट्री का कोड ABC का महत्व जीरो हो गया है क्योंकि भारत सरकार ने सारे मार्केट्स में किसी भी कंट्री में आप एक्सपोर्ट कीजिए आपका MEIS का रेट कॉमन है, मिस आपको कोई और चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं, चाहे आपने बांग्लादेश में एक्सपोर्ट किया है कि USA में किया है कि जापान में किया है, सारी MEIS की रेट एक है। सिंपलेस्ट फॉर्म टू फाइंड आउट MEIS रेट ऑन योर स्क्रीन, आप HS कोड डालिए 6907 सिरामिक प्रोडक्ट के ग्रुप है, मुझे पता चल गया कि मेरी प्रोडक्ट्स के 1010 में कितने रेट्स हैं, 1010 विट्रीफाइड ट्रायल्स 1/1/17 के बाद ये HS कोड वगैरह चला गया, पूरा पूरा डिटेल आ जाएगा, आप इसे आसानी से जान सकते हैं और आपकी स्क्रीन में पता चल सकता है। आगे बढ़ेंगे शिपिंग और MEIS की एप्लीकेशन कैसे फाइल होती है, आपको जानकारी देना चाहूँगा। शिपिंग बिल एक कस्टम का डॉक्यूमेंट है जो ऑनलाइन ट्रांसमिट होता है किस कस्टम सर्वर से DGFT सर्वर पे। सिमिलरली BRC बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट जो EBRC इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है, इसीलिए वो बैंक ट्रांसफ़र करता है बैंक सर्वर से DGFT सर्वर में। DGFT सर्वर में दोनों एप्लीकेशन चीज़ें इकट्ठा होती है, शिपिंग बिल और BRC, उसको आप ऑनलाइन जाके जैसे कि DGFT वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन ई कॉम एप्लीकेशन आप साइड में देखेंगे, मर्चेंडाइज क्लिक करेंगे, कंपेटेबल जावा वर्जन डाल दीजिए, डिजिटल की का यूज़ कीजिए, आपके पास डिजिटल की होगी, अपना IC लेने के बाद आपके पास डिजिटल की हो ही गई होगी, डिजिटल की को डाल के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके आप MEIS स्कीम में एनरोल हो सकते हैं। नेक्स्ट में जाएंगे, सर्विस एक्सपर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, अर्लियर उसका नाम SFIS था, सर्व फ्रॉम इंडिया स्कीम। सिमिलरली अपेंडिक्स 3D में डिफरेंट सर्विसेज अपेंडिक्स 3D DGFT.gov.in पे मौजूद है, उसमें डिफरेंट रेट्स डिफरेंट चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि बिजनेस सर्विस पे 5%, 3% लीगल सर्विस के लिए बताई गई है, और डिफरेंट सर्विस के लिए आपको पर्टिकुलर रीजनल अथॉरिटी जैसे कि मुंबई है, पूना है, बेंगलोर है, ऑफिसेज में जाके फाइल करना पड़ेगा। दूसरा ड्यूटी एग्जम्पशन स्कीम्स के बारे में बताना चाहूँगा, 3 टाइप ऑफ ड्यूटी एग्जम्पशन स्कीम है, एडवांस ऑथोराइजेशन स्कीम, EOU स्कीम, DFIA। सबसे पॉपुलर स्कीम उसमें है एडवांस ऑथोराइजेशन स्कीम। एडवांस ऑथोराइजेशन का मतलब है आप जो भी गुड्स आपके एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए एक्सपोर्ट प्रोडक्ट का प्रोड्यूस के लिए यूज़ करते हो जैसे कि रॉ मटेरियल, फ्यूल, वो दोनों आपका ड्यूटी फ्री। आप ग्राफ में स्क्रीन पे देखना चाहेंगे कोई भी प्रोडक्शन के लिए पाँच चीज़ बड़ी महत्व की है जैसे कि रॉ मटेरियल, फ्यूअल, इन्वेस्टमेंट, लोन, क्रेडिट एंड लेबर। उसके बाद आप कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करेंगे उसको एक्सपोर्ट करेंगे, नहीं तो थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट करेंगे। तो जिसमें कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चरिंग में जैसे कि रॉ मटेरियल और फ्यूअल दोनों को एडवांस ऑथोराइजेशन के अंदर ड्यूटी फ्री लिया जा सकता है। GST आने के बाद, खास करके अक्टूबर के नोटिफिकेशन के बाद, आप एडवांस ऑथोराइजेशन के अंदर GST फ्री, इन द सेंस के GST बिना भरे भी आप ड्यूटी फ्री रॉ मटेरियल फ्यूल ले सकते हैं। एडवांस ऑथोराइजेशन स्कीम, अर्लियर एडवांस ऑथोराइजेशन स्कीम आपको स्क्रीन पे दिखाई दिया होगा, जैसे कि रॉ मटेरियल फ्यूल पे डिफरेंट टाइप के ड्यूटी लेविड होती है जैसे कस्टम ड्यूटी, CVD, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, एजुकेशन सेस। आज के पोस्ट GST
सिर्फ और सिर्फ कस्टम ड्यूटी और IGST और CGST SGST आपको पे करनी होती है। एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के अंदर जाएंगे तो आपको ये IGST एंड कस्टम ड्यूटी वेव ऑफ हो सकती है। फिर आप उसको एक्सपोर्ट करते हैं, मिस पूरा चैनल, आप फर्स्ट चैनल फर्स्ट ए से लेके जेड तक, ए ने कुछ प्रक्रूट किया, फिर उसने बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने और कुछ प्रक्रूट करके डी के दी, पूरी चैनल अगर आपके एक्सपोर्ट रिलेटेड हैं तो पूरी चैनल आपकी एडवांस ऑथराइजेशन के अंदर ड्यूटी फ्री हो जाती है। मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे प्लास्टिक्स है, प्लास्टिक रॉ मटेरियल उसके दाने होते हैं जिसको HDPE दाने बोलते हैं, दाने के फॉर्म में ही होता है, उसको मेल्ट करके उसमें से रोप बनाया जाता है, मेल्ट करके उसमें से बाल्टी बनाई जाती है, उसमें रॉड बनाई जाती है, टेबल बनाई जाती है, चेयर बनाई, काफ़ी चीज़ प्लास्टिक के वो दाने में से मेल्ट करके काफ़ी चीज़ बनाई जाती है। एग्जैक्टली मैं एक ही प्रोडक्ट का जैसे रोप का एक्सपोर्ट कर रहा हूँ तो मुझे ज़रूरत पड़ेगी प्लास्टिक के दाने की, उसमें कलर एडिसिव की और एक मशीन के, प्लास्टिक एक्सट्रूजन मशीन जो मुझे प्लास्टिक के दाने के वायर, अगर मैं मेरा 100% एक्सपोर्ट है क्योंकि मैं एक्सपोर्ट ज़्यादा करता हूँ कुछ, तो मैं सारी चीज़ें जैसे प्लास्टिक के दाने, उसके रंग, उसका मशीन, सारी चीज़ें, उसमें कोई फ्यूल यूज़ हो सकता है, सारा एडवांस ऑथराइजेशन के अंदर ड्यूटी फ्री ले सकता हूँ। जिससे जो हमने पहले पार्ट में जो कंसेप्ट पढ़ा था कि एक्सपोर्ट हम प्रोडक्ट का करेंगे, हम अपने टैक्सेस का एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। एडवांस ऑथराइजेशन के अंदर सीओन, जिसको स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स बोलते हैं, वो फिक्स किए गए हैं। एक सीओन का कॉपी आपके स्क्रीन पे दिखाई देती है जिसमें हम पढ़ेंगे, D12 नंबर का सीओन नंबर है जिसमें ब्लैक फ्रोजन फिश सुरीमी करके हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर मुझे एक मेट्रिक टन पर्टिकुलर सुरीमी एक्सपोर्ट करना है तो 7 चीज़ आपके स्क्रीन में सामने देखी दिखा, ये 7 चीज़ मुझे ड्यूटी फ्री मिलेगी। नंबर 1 LDPE HDPE का बैग्स 30 kg तक का, क्राफ्ट पेपर 50 का, काफ बोर्ड 50, सोडियम ट्रोपोली फॉस्फेट 30 kg वगैरह वगैरह आपने स्क्रीन पे देखा, ऐसी चीज़ें फ्री ड्यूटी फ्री में कर प्रोक्योर कर पाऊँगा जिससे मेरा ड्यूटी का कैपिटल मेरा कैपिटल ब्लॉक ना हो जाए, कैश कैपिटल ब्लॉक ना हो जाए, प्लस मेरा पूरा चैनल ड्यूटी फ्री मेजर रहे। काफ़ी चीज़ों में साइन फिक्स नहीं है, ऐसी चीज़ों में जिसमें साइन फिक्स नहीं है कोई एप्लीकेंट उसको नो नॉर्म्स के अंदर भी उसको प्रोक्योर कर सकता है। इसकी शर्त इतनी है, नो नॉर्म्स फिक्स मिस DGFT हेडक्वार्टर जब तक फिक्स नहीं करेगा तब तक आपका नॉर्म्स मान्य नहीं रहेंगे। आप सेल्फ डिक्लेरेशन में नॉर्म्स फिक्स करके कोई भी चीज़ ड्यूटी फ्री प्रोक्योर कर सकते हैं और आपका आपको DGFT हेडक्वार्टर से जितनी बार नॉर्म्स फिक्स नए करवाने होंगे आपको अप्रोच करना पड़ेगा। एक बार आपका नॉर्म्स फिक्स हो जाएगा उसकी लाइफ 2 साल की है, 2 साल के बाद फिर से आपको वही नॉर्म्स फिक्स करवाना पड़ेगा। दूसरी एक बेहतरीन स्कीम का नाम है ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथोराइजेशन DFIA। उसमें मिनिमम 20% वैल्यू एडिशन चाहिए मगर उसमें सिर्फ बेसिक कस्टम ड्यूटी ही आपकी एग्जम्प्ट होगी। खास करके जिसको थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट करते हैं, खास करके जो ट्रेडर हैं, खास करके जिसको पहले एक्सपोर्ट कर देना है फिर करना है, वो DFIA के बारे में ज़्यादा जानना चाहेंगे, उसको ज़्यादा लेना चाहेंगे। डिफरेंसेस बिटवीन DFIA एंड एडवांस ऑथराइजेशन क्या है आपके स्क्रीन के सामने है। DFIA पोस्ट एक्सपोर्ट बेसिस ट्रांसफरेबल है और एडवांस ऑथराइजेशन नॉन ट्रांसफरेबल, उसका मतलब एक है अगर मैं शर्ट का एक्सपोर्ट करता हूँ तो एक शर्ट पहनने के लिए मुझे शायद 2.5 मीटर कपड़ा चाहिए, 5-6 बटन्स चाहिए। अगर मैं 1000 शर्ट एक्सपोर्ट करूँगा तो ऑलमोस्ट मुझे 2500 मीटर कपड़ा फ्री इंपोर्ट करने की परमिशन मिलेगी, इंक्लूडिंग पर शर्ट 5 और 6 बटन्स इंपोर्ट करने की परमिशन मिलेगी। अगर मैंने 1000 शर्ट एक्सपोर्ट कर लिए हैं तो पर्टिकुलर चीज़ मैं मार्केट से आफ्टर एक्सपोर्ट भी खरीद सकता हूँ विदाउट पेमेंट ऑफ एनी टैक्स। खास करके बाकी नई पॉलिसी में जो 15-20 की है उसमें DFIA में बेसिक कस्टम ड्यूटी ही एग्जम्प्ट होती है। दूसरा मेन फ़ायदा ये है, DFIA में वैल्यू एडिशन 20% करना होता है जबकि एडवांस ऑथराइजेशन में सिर्फ 15% करना होता है। DGFT के एक मशहूर, काफ़ी लोकप्रिय, लगभग सारे मैन्युफैक्चरर ने फ़ायदा उठाया है इसकी स्कीम का नाम है एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम, जिसमें कोई भी कैपिटल गुड्स जैसा कि सिंपल भाषा में बोला जाए तो कोई भी मशीनरी के स्पेयर्स वगैरह आप ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम के EPCG उसको बोलेंगे उसके अंदर आप प्रक्रिया कर सकते हैं।
जैसे कि मेरा टाइल्स की फैक्ट्री है, मुझे टाइल प्रेस करने के लिए, उस पर पॉलिश करने के लिए डिफरेंट मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है, मेरा प्लास्टिक का फैक्ट्री तो प्लास्टिक एक्सट्रूशन मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, मेरा फार्मा का फैक्ट्री है तो पैकिंग रीपैकिंग के लिए मुझे डिफरेंट मशीन्स की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसी सारी मशीन्स आप अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करने वाले हैं, तो EPCG के अंदर 100% फ्री ले सकते हैं। एक ही शर्त आपकी है, आपने जितनी ड्यूटी बचाई है, जितनी ड्यूटी नहीं भरी है, उससे 6 times एक्सपोर्ट आपको 6 years में करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मेरी मशीन 1 crore की है, अगर मैं सारा IGST और कस्टम ड्यूटी मिला देती हूँ तो 25-26% होता है, 25-26 lakh होता है, तो इंटू 25 lakh मानो तो इसका 6 times मीन्स 1 crore का मशीन है, 25 lakh की ड्यूटी है, 25 lakh इंटू 6 times यानी 1.5 crore के आसपास मुझे 6 साल में गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट करके देना पड़ेगा। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट ये भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की एक स्कीम है, जिसमें मैं एक ऐसा नोटिफाइड एरिया तय करता हूँ कि जिसमें से जो भी कोई भी प्रोडक्शन जाता है वो एक्सपोर्ट के लिए बाहर जाएगा। एग्जैक्टली, उसके ये नोटिफाइड एरिया के अंदर जो मेरा क्लोज्ड एरिया है उसके अंदर कोई भी चीज़ अंदर आएगी तो वो ड्यूटी फ्री आएगी। उसका कंसेप्ट ये है कि EOU जो यूनिट्स बनाए जाते हैं उसमें 100% एक्सपोर्ट एक्टिविटी चले। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन को हम ग्राफ के ऊपर जो स्क्रीन के ऊपर के हिसाब से हम देखना चाहेंगे। फॉर एग्जांपल ये SEZ टेरिटरी आप स्क्रीन में देख सकते हैं, SEZ टेरिटरी हम, ये इंडिया की टेरिटरी है और ये सी है। कोई भी माल बाहर से अंदर आता है, एज ए रॉ मटेरियल मान लो कोई भी माल अंदर आता है तो उसको ये जैसे बाउंड्री टच करता है तो उसको कस्टम ड्यूटी भरनी पड़ेगी। कस्टम ड्यूटी भर के इंडिया की टेरिटरी में वो चला जाएगा। अगर वो बंदा SEZ के अंदर जाना चाहता है, SEZ के अंदर वो गुड्स जाना चाहता है तो यहाँ पे ड्यूटी नहीं भरेगा, वो SEZ के अंदर सीधा विदाउट पेमेंट ऑफ एनी ड्यूटी SEZ के अंदर चला। जैसे SEZ के गेट पर उसका दूसरा रीचेकिंग होगा, उसके बाद वो अंदर चला जाएगा। यहाँ गुड्स प्रोसेस हो गए, प्रोसेस होने के बाद यहाँ फिर से पैक हो गए, पैक होने के बाद यहाँ कोई ड्यूटी उसको भरी नहीं है, ड्यूटी के बाहर सीधा निकल जाएगा। यहाँ भी कोई ड्यूटी पे नहीं करेगा ट्रांसपोर्ट में, यहाँ के माल्स निकल जाएगा। SEZ का मतलब ये है कि आप ड्यूटी फ्री सारी चीज़ एब इनिशियो स्टार्टिंग से सारी चीज़ SEZ कंस्ट्रक्ट करने हुई सारी चीज़ ड्यूटी फ्री है, उसमें लगाई गई रॉ मटेरियल आने वाले सारे इसमें अंदर रहा हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर सारा ड्यूटी फ्री है, तो उसमें बनी हुई चीज़ काफ़ी चीप रहेगी, एक्सपोर्ट कम्पिटिटिव रहेगी, चाइना जैसे वर्ल्ड मार्केट को हम बीट नहीं तो कम्पीट कर रहे हुए ऐसी बनी रहेगी। इंडिया में काफ़ी SEZ हैं, ज़्यादातर जो बड़े बड़े SEZ हैं वो सी एरिया में लोकेटेड है, जैसे मुंद्रा SEZ, जामनगर का SEZ, नवी मुंबई का SEZ, सिप्स SEZ, कंडला SEZ, साउथ में ले लो तो कोचीन में SEZ हैं, बेंगलोर में डिफरेंट IT SEZ हैं, सूरत में काफ़ी डायमंड्स SEZ है, फार्मा SEZ अहमदाबाद और हैदराबाद के आसपास काफ़ी है, नोएडा नॉर्थ इंडिया में नोएडा SEZ है, इंदौर में SEZ है, काफ़ी SEZ है जिसमें प्रोडक्शन हुई सारी प्रोडक्ट टैक्स फ्री होती है और एक्सपोर्ट कम्पिटिटिव होती है। इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन, काफ़ी इनफॉर्मल बात है, जैसे कि भारत देश के पहली 5 अमीर कंपनियाँ के अमीर लोग एक्सपोर्ट के बिजनेस के साथ ही जुड़े हुए हैं। सिमिलरली USA के पहले 5-10 अमीर लोग, रशिया के पहले 5-10 अमीर लोग, जापान के, चाइना के, कोई भी और कंट्री के ले लीजिए, सारे पहले 4-5 अमीर लोग एक्सपोर्ट के बिजनेस के साथ ही जुड़े हुए होते हैं। सारी दुनिया की कंट्रीज, सारे देश एक्सपोर्ट को बढ़ावा लेने के लिए काफ़ी एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स, काफ़ी एक्सपोर्ट प्रमोशन एक्टिविटीज़ चलाती हैं। उसके कारण से सारे कंट्रियों में ऑलमोस्ट जो WTO के अंदर आता है एक्सपोर्ट को ड्यूटी फ्री बाहर देते हैं, जिसके कारण से उनके एक्सपोर्टर्स की आमदनी कम्पिटिटिवनेस काफ़ी हो जाती है। इसीलिए जो एक्सपोर्ट मार्केट में होता है वही अच्छा पैसा, अच्छा बिजनेस, अच्छा प्रॉफिट कमा पाता है। एक्सपोर्ट करने से देश के भी उन्नति होती है, जैसे कि हमको अच्छा खासा फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, हमारी इकोनॉमी स्टेबल हो जाती है, हमारी इकोनॉमी में डॉलर मीन्स फॉरेन एक्सचेंज जो हम फ्री फॉरेन डिफरेंट करेंसीज है, डॉलर्स है, यूरो है, उसके सामने हम स्टेबल हो जाते हैं, इकोनॉमी स्ट्रांग होती है, प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है, GDP बढ़ता है और अल्टीमेटली देश प्रॉस्परस बनता है। एक लास्ट डिस्क्लेमर, ये सारा वीडियो इंफॉर्मेटिव है,
मात्र मात्र इन्फॉर्मेशन डेसिमिनेट मीन्स मेरे पास हमारे पास रही हुई इन्फॉर्मेशन आपको देने का इरादा है। इन्फॉर्मेशन वीडियो में दी गई हुई यूज़ करने से पहले आप उसका लीगल सोर्स उसका सेकंड रेफरेंस और उसको एक बार चेक करने के बाद यूज़ करें। आप सबको ऑल द बेस्ट, जल्दी से एक्सपोर्ट चालू कीजिए। लगभग इंडिया का 20 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट है, हम चाहेंगे उसको बढ़ा के 50 लाख करोड़ कुछ सालों में बना के पहुंच पाए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।